फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये ड्रग पेडलर्स का मॉडस ऑपरेंडी था। डार्क नेट के ज़रिए ये सेलिंग का काम करते थे ड्रग्स का। एनसीबी ने अब धर पकड़ लिया है 6 लोगों को। कौन है वो 6 लोग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस बीच ये बता दूं कि डार्क नेट का मामला पहले भी कई बार सुना होगा आप लोगों ने, सुशांत सिंह राजपूत केस में। क्या आने वाले दिनों में इस केस से रिलेटेड कुछ और खबरें निकल कर आएंगी, ये देखना और समझना होगा। वजह है सीबीआई मुंबई में है और एक्टिव है। एनआईए भी दूसरी तरफ अपने एंटीलिया केस में और मंसूख हिरेन डेथ केस में बॉम्बे में अवेलेबल है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में भी एनसीबी कोई बड़ा अपडेट दे सकती है, ये देखना और समझना होगा। वहीं सीबीआई से एज एक्सपेक्टेड कब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई अपडेट देंगी। लेकिन यहाँ एनसीबी के हाथ लगा एक नया मामला डार्क नेट का। लेकिन जो लोग सुशांत सिंह राजपूत केस शुरू से देख रहे होंगे, उन्होंने डार्क नेट, डार्क वेब, ये सब अल्फाज पहले भी सुने होंगे। क्या है डार्क नेट, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरह से ये लोग अपने काम को अंजाम देते थे वो भी मैं बताऊंगा। तो डार्क नेट को ये यूज़ करते थे स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें ये सेलिंग का काम करते थे ड्रग्स का, और इस में स्पेशलाइज थे जो कि वेंडर्स थे, जो कि डील करते थे ड्रग्स में। वेंडर्स अपना नाम और मैसेंजर सर्विस के थ्रू इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा करते थे, और वेंडर्स बायर्स को इसके थ्रू ही अपना ड्रग्स प्रोवाइड किया करते थे। ये खबर आ रही है, इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। द ऑर्डर इज प्लेस फॉर द नारकोटिक्स टू बी डिलीवर्ड एंड पेमेंट इज डन थ्रू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट होती थी जो कि बिटकॉइंस के जरिए होती थी। अब रेड्स कहाँ हुई वो मैं आपको बताऊंगा। रेड्स हुई हैं लोखंडवाला में और विरार में। लोखंडवाला से पकड़े गए जैद राणा और सोनू फैज, इनके पास से 70 ब्लॉट्स ऑफ एलएसडी बरामद हुई है। आफ्टर द इंटरोगेशन ऑफ द डियो एनसीबी अरेस्टेड शुभम सावरदेकर एलियास थापा, और रिकवर हुआ हशीश। विरार से 3 लोग अरेस्ट हुए जिनके पास से 53 ब्लॉट्स ऑफ एलएसडी एंड 10.2 ग्राम ऑफ मेफ्ड्रॉन बरामद हुआ। द एक्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज रवि वघेला, हर्षद वघेला एंड शरद पारगी। तो डार्क नेट के जरिए किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाता था, ये एनसीबी ने देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन इस पर अब जांच बैठ गई है क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है, ये कहना है एनसीबी का। समीर वांकडे के बयान के हिसाब से समझा जाए तो डार्क नेट के जरिए जिस तरह से बड़े ही प्रिकॉशन के साथ इस काम को अंजाम दिया जाता था, ये एक बड़ा नेक्सस है जिसको अब एनसीबी बस्ट करने के लिए तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा, लेकिन फिर ये कहूंगा कि डार्क नेट का मामला बार बार एसएसआर केस में निकल कर आ रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स आ सकती हैं एसएसआर केस में, ये देखना और समझना होगा, क्योंकि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस की मांग आज भी हर कोई कर रहा है, हर कोई करता रहेगा और आने वाले दिनों में भी करेगा, ये कहना है हमारा भी और सबका। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।